विश्वास राव जी किसी भी पल हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं और अपने सीने में छुपा कर ला रहे हैं उस गद्दार का नाम जिसने पैसों के लिए हमारे देश के साथ की मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया है। ये क्या कर रहे हो? सजा मिलनी चाहिए। कसम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अमर ने विश्वास राव को खत्म कर दिया है। हाँ जी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गोलमाल करने वाला आदमी आपकी पार्टी का नहीं है? मामा देखिए मामा काम हो गया। पर ये हुआ कैसे? मंत्री जी क्या हुआ? सर विल यू टेल अस व्हाट हैपेंड? सर आप बताते क्यों नहीं, हुआ क्या है? एक बहुत बुरी खबर है, विश्वास राव जी की एयरपोर्ट पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। चतुर्वेदी के पैर के नीचे उसी बिल्डिंग में जहां विश्वास राव जा रहा है, और जब चतुर्वेदी को पता चलेगा कि तूने उसके साथ धोखा किया है तब तू नहीं जानता कि तेरी माशुका का अंजाम क्या होगा। ये देशद्रोहियों ने विश्वास राव के सीने पर नहीं भारत माँ की छाती पे गोली चलाई है। विश्वास राव जी बहुत ही नेक, जाबाज और ईमानदार इंसान थे। थे नहीं है। Thank you.
बैठिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गनस्ट्रॉम कंपनी के 110 करोड़ रुपए के गोलमाल में किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही डेप्यूटी मंत्री चतुर्वेदी का हाथ है। अरेस्ट दिस मैन। लेकिन सर, हमने तो सुना था आपको गोलियां लगी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट चतुर्वेदी, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था लेकिन तुम एक गलती कर बैठे कि मुझे मारने का जिम्मा तुमने एक ऐसे आदमी को दिया जो खुद तो मर जाएगा लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा जो तुमने की है। Constables, charge, come on! Basement. Shit! कोई होशियारी नहीं करेगा वरना भून के रख दूंगा। और तुम तो बिल्कुल होशियारी मत करना वरना तुम्हारे जिस्म में मैं इतने छेद कर दूंगा कि मरने के बाद भी साले बांसुरी की तरह बजते रहोगे। तुमने मेरी राजकीय कारकिर्दी तो खत्म कर दी है, अब मैं मंत्रालय में मिनिस्टर तो कहा चपरासी भी नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन अब तुम ही मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करोगे। मैं मानता हूं कि अमर ने देश के साथ गद्दारी नहीं की है लेकिन अपनी लौंडिया के साथ जरूर की है। ए, सुनो। यस सर। वो हरामजादी को ऊपर ले आओ। ठीक है सर। संजना, तुम ठीक हो? खाकी वर्दी वालों, जरा भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। पूरा बिल्डिंग हमारे कब्जे में है और साथ में 50-60 पत्रकार भाई बहन और तुम्हारे प्यारे मंत्री विश्वास राव जी भी हमारे झूले में झूल रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, मैं इंस्पेक्टर करण शर्मा बोल रहा हूँ। हमने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है, यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकल सकता है। अच्छा लगो। देख लिया कि और दिखाऊं? अब कान खोल कर सुन लो, बिल्डिंग के अंदर कोई भी आदमी नहीं घुसेगा। मेरा भांजा यहाँ से घर जाएगा और डायमंड लेकर वापस आएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसमें बैठकर हम एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ एक हवाई जहाज चाहिए जिसमें बैठकर ये देश छोड़कर जाएंगे, समझे? मैंने आपकी सारी मांगे सुन ली है लेकिन मैं उन्हें पूरी नहीं कर सकता। नहीं करण, उसकी बात मान लो उसकी बात। मेरे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो चतुर्वेदी को पता चलेगा कि मैं इस बिल्डिंग में हूँ और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। इनसे कहिए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। बोलिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। डिप्टी मिनिस्टर चतुर्वेदी और चंद टेररिस्ट ने बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया। हमें नहीं पता कि वो लोग बिल्डिंग में कहां कहां हैं। हमें इतना पता है कि ऊपर की मंजिल पे विश्वास राव जी और कुछ वीआईपी को उन्होंने होस्टेज लिया हुआ है। ऊपर वाली मंजिल? हाँ। क्यों मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो तुम? बोलो, बोलते हो कि और फेंकूं? हेलो, ये जैसा कह रहे वैसा कर दो। हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट का सब कुछ अरेंज करने में हमें एक घंटा लग जाएगा।
सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे के ऊपर एक भी मिनट हुई तो एक एक करके आदमियों को खिड़की के बाहर फेंकता रहूंगा मैं, समझे? सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। छमिया अभी तक क्यों नहीं आई? ए, तुम जाके देखो कहाँ हो रहा है, जाओ। ठीक है। और भांजे? हाँ मामा। घर जाओ और घर से डायमंड उठाकर यहाँ ले आओ, समझे? लेकिन मामा वहाँ पुलिस होगी। अरे पुलिस तुम्हें दामाद बना कर ले जाएगी, जाओ जाओ। ठीक है। वेट। अरे बोल क्या बेटा? बेटा क्या आवाज़ है? क्या हुआ इसको? बहनो शंकर और बिट्टा, क्या हुआ? तीनों की लाशें, किसी ने उनका खून कर दिया है और लड़के भी कमरे में नहीं है। किसने किया होगा? अमर, ये उसे का ही काम हो सकता है। सुनो, मैं जानता हूं तुम इस बिल्डिंग में आ गए हो, अगर 10 मिनट के अंदर यहां नहीं आए तो एक एक करके मैं सबको घूमता रहूंगा। सुना तुमने? ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं विश्वास राव की पीए से ही करता हूं। अमर, ये सुनी आवाज? अब 10 मिनट में यहां आते हो कि रेडियो पे और गाने सुनाओ? अमर, अमर कासिम ढाका, नीचे से लेकर ऊपर तक ढूंढो उसे। जाओ। ठीक है, जाओ जाओ। देखो, मारना इन बच्चों का काम नहीं है। अब तुम जाके कुछ करो वरना मुझे गोली मार दो। शिवा, ये रख, अपने अपने हथियार चेक करो। सर, तुम ही रुको, तुम्हें यहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ओके ओके, इधर तो नहीं है, चलो। बाहर निकल, बर्दाम जी। हम जानते हैं तू यहीं पर है। बाहर निकल।
हरामजादे बचेगा नहीं तो तूने हरी शंकर और बिट्टा को मारा है, खत्म कर डालेंगे तुझे। निकला क्यों नहीं? 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। कमिश्नर साहब, मेरा भांजा अब तक क्यों नहीं आया? कोई गड़बड़ की तो एक पे एक नागरिक फेंकता रहूंगा। नहीं रुको, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचता होगा। आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा, या तुम या मैं। Yeah!
अरे संजना, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन मुझे फिक्र है अमर की। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मामा, आई गवारे। लाया। अरे भांजे, क्या बात है भैया, आज पता चला कि तू मेरी बहन की औलाद है। देखा आप कैसे जगमगा रहे। भैया पूरे हैं ना? पूरे हैं मामा, पूरे हैं। कमिश्नर साहब, आधा घंटा होने को है, अभी तक आपका हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो एक पे एक नागरिक फेंकता रहूंगा खिड़की के बाहर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हेलीकॉप्टर निकल चुका है, कुछ ही देर में पहुंचता होगा। आप लोग सभी से उतरिए, लेकिन सीढ़ी से। कम ऑन, मूव फास्ट। कम ऑन एवरीबॉडी आउट, कम ऑन मूव। Oh!
इस नाम को मैं 17 साल पहले मिटा चुका हूँ, कैसे जानता है तू? क्योंकि उस नाम को मिटाने से पहले तूने 2 लोगों की जान ली थी। किसकी? इंस्पेक्टर दामजी कुंवर सिंह राठौड़ और शांति राठौड़ की। इंस्पेक्टर दामजी राठौड़? आज भी है याद मुझे मेरी माँ की चीख और उसकी चूड़ियों की टूटने की आवाज। नहीं भूला हूं मैं जिस बाप की उंगली पकड़कर मैं चला था, जिस माँ की गोद में मैं खेला था। तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो, मैं कबूल करता हूं मैंने तुम्हारे मां बाप क्या किया। देखो देखो, 110 करोड़ के हीरे हैं, हम आधे आधे बांट लेंगे, पूरे तुम्हारे तुम्हारे पूरे। देखो मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मार। मैं अब भी तुम्हारा डिप्टी मिनिस्टर हूं। हां तू पुलिस वाले तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अपने को हवाले करता हूं। तुम पुलिस वाले तुम मुझे नहीं मार सकते। साले कुत्ते के पिल्ले, बड़ा बदनसीब है कि सिर्फ माँ की चीखें सुनी थी। सुनने के काबिल तो तेरे बाप की चीखें थी जब उसका पेट फाड़ कर अतड़िया कटर में डाल दी थी। अब राष्ट्रगीत गाना शुरू कर दे, तेरा अंत आ गया है। हमेशा की तरह आज भी बाजी तुम ही ले गए। वेल डन।